चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाहय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी ने अपनी वेबसाइट mcc.neet.in पर काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक नोटिस पब्लिश किया है, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस नोटिस में क्या लिखा है और एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड के लिए काउंसलिंग कब से स्टार्ट होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक अवेलेबल है, तो इसमें आप ऑल इंडिया कोटा, आयुष, स्टेट कोटा की काउंसलिंग बुक इसमें अवेलेबल हैं। इसमें टॉप से लोएस्ट कॉलेज भी दे रखे हैं, फीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक से चॉइस कैसे आपको फिल करनी है, ये सारी डिटेल दे रखी है। तो ये आपके लिए एक आइडिया मिल जाएगा इससे, और ये काउंसलिंग में इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अब एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में बात करें तो ये काफ़ी डिले हो चुकी है। कारण ये है कि कुछ कोर्ट केसेस लगे हुए हैं और उनका डिसीजन आना बाकी है, तो ये 24 नवंबर तक डिले हो सकती है। इसी बीच एमसीसी ने काउंसलिंग, यूजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यूजी काउंसलिंग में, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है जो इस प्रकार से है। इसमें पॉइंट नंबर 1 पर लिखा गया है कि एमसीसी द्वारा कैंडिडेट की मेरिट और उनके द्वारा एमसीसी सॉफ्टवेयर में की गई चॉइस फिल के अकॉर्डिंग सीट अलॉट की जाती है। सेकंड नंबर पॉइंट पर लिखा है कि एमसीसी द्वारा नॉमिनेशन के आधार पर सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। एमसीसी द्वारा कैंडिडेट को कोई लेटर जारी नहीं किया जाता है। जिन कैंडिडेट को एमसीसी द्वारा सीट अलॉट हो जाती है उनको एमसीसी की वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और एडमिशन के लिए अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अभी इसमें आगे थर्ड नंबर पर यह लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि सीट अलॉटमेंट के रिगार्डिंग किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले किसी भी लेटर से सावधान रहें। कैंडिडेट को फेक एजेंट से सावधान रहना चाहिए और रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ खुद करें। इसमें आगे लिखा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो किसी के साथ शेयर न करें। एमसीसी की वेबसाइट mcc.neet.in के अलावा और कोई वेबसाइट नहीं है। कैंडिडेट फेक वेबसाइट से सावधान रहें। सिक्स नंबर पॉइंट पर लिखा है कि फ्रॉड वेबसाइट और एजेंट के रिगार्डिंग कोई केस होता है तो एमसीसी को तुरंत रिपोर्ट करें और कैंडिडेट इस मैटर पर एफआईआर लॉज करें। तो ये एक एडवाइजरी जारी की है एमसीसी ने, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं, कुछ कुछ तो फेक अलॉटमेंट लेटर भी जारी हो जाते हैं, तो इस प्रकार के इस फ्रॉड को रोकने के लिए एमसीसी ने ये एक एडवाइजरी जारी की है, तो कैंडिडेट ये इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।